हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, एमएससी फाइनल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में जो हमने सबसे पहला रीअरेंजमेंट स्टार्ट किया हुआ है वो क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, यानी कि ऐसे वाले रीअरेंजमेंट जिनमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, इसमें हमने एक रीअरेंजमेंट है वो कंप्लीट कर लिया, वैगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट। इसके बाद जो सेकंड वाला रीअरेंजमेंट हम आज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे by diazotization of one degree amines। यहाँ पे आप diazotization directly भी यहाँ पे लिख सकते हो कि by diazotization reaction। ठीक है, one degree amines यहाँ पे mention करना इतना ज्यादा necessary नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, directly diazotization reaction। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि जब कोई one to migration है वो initiate होता है। ठीक है, one to migration है वो initiate कब होगा, जब यहाँ पे formation होगी carbocation की। carbocation की formation है वो होती कहाँ पे है, by diazotization reaction, यानी कि जब हम diazotization रिएक्शन कराएंगे तो वहां से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और उस कार्बोकैटायन पे यदि कोई वन टू माइग्रेशन इनिशिएट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डैमजन ऑफ रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, बाय डायजोटाइजेशन रिएक्शन इज नॉन एज डैमजन ऑफ रीअरेंजमेंट। डैमजन ऑफ रीअरेंजमेंट
देखिए स्टेटमेंट वगैरह मैं सारी सब कुछ चीजें हैं वो बोल के लिखा रही हूँ, साथ में बोर्ड पे भी लिखा रही हूँ, तो आप अपने नोट्स हैं वो प्रिपेयर कीजिए। तो देखिए अपने प्रॉपर नोट्स हैं वो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट वाइज चल रही हूँ। अभी भी यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो इसमें आप ही का लॉस है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि यदि आपको कहीं और से मिल रहे हैं ले लो नोट्स, लेकिन वो नोट्स इकट्ठे करने से फायदा क्या होगा? नोट्स यदि रखने से यदि स्टडी हो जाए ना, तो फिर जो लाइब्रेरी वाले हैं उनको तो सारा सब कुछ आता रहे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी बुक्स और नोट्स रखे होते हैं। तो नोट्स इधर उधर से मांगने से बेटर है कि आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उनमें आपको समझ आएगा, आपका खुद का लिखा हुआ होगा तो एटलीस्ट आपको क्लियर तो होगा कि मैंने इसमें क्या लिखा है। साथ ही एक बार यदि आप लिखोगे वीडियो को, यदि आप देख के लिख रहे हो तो उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। एक बार सिर्फ वीडियो को देख रहे हो, साथ में देख के नोट्स बना रहे हो, तो आप एक दो करके देखो, एक दो रीअरेंजमेंट को आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए और नोट्स हैं वो तो जरूरी है, बिना नोट्स के कितनी बार वीडियो को देखोगे? और सिर्फ देखने से कभी याद नहीं होता, ठीक है, लिख के देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपके नोट्स भी प्रिपेयर होंगे, आगे आपको फ्यूचर में काम भी आएंगे आपके नोट्स, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में यदि आप बोलते हो मेरे को कि मैम नोट्स प्रोवाइड करवाइए, तो मैं बुक्स की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन नोट्स नहीं। बुक्स की पीडीएफ इसलिए प्रोवाइड करा सकती हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक्स को परचेज नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनके लिए मैं बुक की पीडीएफ वो प्रोवाइड करा सकती हूँ। क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ होती है कि सेटिस्फैक्शन नहीं होता, पूरी वीडियो देख के भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि इसमें कुछ ना कुछ बच गया होगा, लेकिन जब बुक पढ़ लेते हैं खुद से तो पूरा सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ अब इस टॉपिक में कुछ नहीं बचा। तो मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कराऊंगी, मैं बुक की पीडीएफ वो प्रोवाइड करा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नोट्स हैं नहीं, है मेरे पास नोट्स, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगी प्रोवाइड नोट्स, क्योंकि मैं इस चीज़ को फेवर नहीं करती कि मैं आपको सारा सब कुछ देती रहूं, तो उसमें आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली फिर, ठीक है। चाहे यदि आपको कहीं और से मिल रहे हैं तो ले लीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप कहीं इधर उधर से नोट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। एक बार की आपकी मेहनत लगेगी लेकिन वो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे, और साथ ही में आपके कॉन्सेप्ट हैं वो दुगने क्लियर होंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी करती हूँ। तो थोड़ा सा हार्डवर्किंग बनाइए खुद को, क्योंकि अभी तो टाइम है, ठीक है, अभी तो टाइम है, नोट्स बना भी सकते हो क्योंकि अभी तो एग्जाम का कुछ है नहीं, ठीक है। तो आराम से बैठ के अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी, अगेन बोल रही हूँ। और रीअरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है कि चलो ठीक है, बाकी में तो आप सोचो कि मैम नहीं मिल रहा टाइम, रीअरेंजमेंट तो ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कभी भी एक वीडियो देखने बैठे उसी के नोट्स बना लिए, ठीक है, बाद में सभी को एक जगह कर लो, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक 2 या 3 पेज का मुश्किल से एक रीअरेंजमेंट होता है पूरा, ठीक है। तो आप वीडियो देख के, मैं इसीलिए पूरे के पूरे स्टेटमेंट वगैरह लिखती हूँ ताकि इसमें से कुछ बचे नहीं, ठीक है। तो नोट्स अपना बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। व्हेन अ 1-2 माइग्रेशन इज इनिशिएटेड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन इज नॉन एज डैमजेनोव रीअरेंजमेंट। तो रिएक्शन का स्टेटमेंट है वो तो क्लियर हो गया यहाँ से कि डैमजेनोव रीअरेंजमेंट है वो एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब डैमजेनोव रीअरेंजमेंट है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, क्यों हम डैमजेनोव रीअरेंजमेंट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस रिएक्शन लिख लें या फिर दिस रीअरेंजमेंट लिख लें। तो दिस रीअरेंजमेंट, दिस रीअरेंजमेंट हैज फाउंड पर्टिकुलर एप्लीकेशन टू रिंग कॉन्ट्रैक्शन as well as ring expansion in cyclic compounds। क्योंकि देखिए रिंग को एक्सपैंड करना है, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो तो कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे रिंग प्रेजेंट होगी, यानी कि जो कंपाउंड अपना साइक्लिक कंपाउंड होगा वहीं पे तो हम कार्बन एटम को डिक्रीज करेंगे, वहीं पे हम कार्बन एटम को इंक्रीज करेंगे। जब रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, इन दो टर्म्स को हम एक बार के लिए देख लेते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स हमारे पास कोई भी रिंग है, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग है, वो आफ्टर रीअरेंजमेंट यदि कन्वर्ट हो जाती है 5 मेंबर्ड रिंग में, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग में, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, यानी कि डिक्रीमेंट इन कार्बन एटम, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डिक्रीमेंट इन कार्बन एटम, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपना रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसका कंट्रास्ट है, इसका बिल्कुल ओपोजिट है, वो क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। यदि हमारे पास कोई 5 मेंबर्ड रिंग है या फिर 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 मेंबर्ड रिंग है और वो आफ्टर रीअरेंजमेंट कन्वर्ट हो जाती है 5 मेंबर्ड रिंग में,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपेंशन बोलेंगे, यानी कि इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम का जो नंबर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपेंशन बोलेंगे। तो रिंग एक्सपेंशन एज वेल एज रिंग कॉन्ट्रैक्शन दोनों में ही इसका यूज होता है। तो एप्लीकेशन क्या हुआ रिएक्शन का, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है वो देखिए, अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि हम बोल रहे हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशन तो लगती होगी ना कि कब रिंग एक्सपेंशन होगा और कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो चीज है वो डिपेंड किस पे करेगी, तो वो चीज डिपेंड करती है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कि जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ना उसी टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिंग एक्सपेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा, हाउएवर रिंग इज गोइंग टू बी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, इट विल डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। यानी कि रिंग है वो अपनी कब एक्सपेंड करेगी, कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये चीज है, ये डिपेंड किस पे करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, ठीक है। जिस टाइप से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आएगा उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। फर्स्ट पॉइंट में हमने स्टेटमेंट देखा कि डेमजेनोव रीअरेंजमेंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि डेमजेनोव रीअरेंजमेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि कब रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है, कब रिंग एक्सपेंड होती है। अब हमने यहाँ पे एक चीज यूज की है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। अब डायजोटाइजेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन हम वो क्या क्या होती है वो चीज एक बार के लिए देख लेते हैं। तो डायजोटाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 डिग्री एमीन चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, 1 डिग्री एमीन चाहिए। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हमें कराने किसके साथ होती है, HNO2, ठीक है, HNO2, या फिर हम क्या ले सकते हैं यहां पे NaNO2 HCl, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे मिलेगा 273 केल्विन टेम्परेचर, तो 273 रखो या फिर 0 डिग्री रखो, सेम ही चीज होती है ना, इतनी चीज तो अंडरस्टूड होगी, ठीक है। तो जब हम 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 नाइट्रस एसिड या फिर HNO2, ठीक है, HNO2 या फिर NaNO2 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हम रिएक्शन के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ से फॉर्मेशन है वो होती है डायजोनियम सॉल्ट की, ठीक है। तो यहां से डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन बहुत ही वाइड रिएक्शन है, रिएक्शन का यूज भी खूब होता है, तो पढ़ते भी बहुत बार हैं ये रिएक्शन। आई थिंक मैंने बीएससी सेकंड ईयर का अल्कोहल जो पढ़ाया है उसमें, बीएससी फर्स्ट ईयर में, हर जगह ये वाली जो रिएक्शन है ये पढ़ाई है, ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। अब हमें एक बार के लिए डायजोनियम सॉल्ट चाहिए, डायजोटाइजेशन रिएक्शन है वो अपनी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हम हमारा कराते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल से, रिएक्शन हम करेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी करेंगे, रिंग एक्सपेंशन भी करेंगे, और अच्छे से समझेंगे कि कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा और कब रिंग एक्सपेंशन होगा। तो एक बार ये जो थ्योरेटिकल अपना पोर्शन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें देखना है एग्जांपल्स, एग्जांपल्स हम देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करती है, कैसे यहाँ पे डायजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, किस तरह से यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, किस तरह से यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो हम देखेंगे बाय एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने यहां पे रखा है कुछ इस तरह से, CH2NH2, ठीक है। ये क्या अपना साइक्लोब्यूटेन है, इतनी चीज अंडरस्टूड है कि हर यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे क्या होगा, CH2 होगा। मैं बार बार बताती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कभी ऐसा कोना बना हुआ होता है ना, ऐसा कॉर्नर बना हुआ, तो उसका मतलब क्या होता है, CH2 होता है। तो यहाँ पे बार बार CH2 लिखने की नीड तो नहीं होगी ना, ये वाला कॉर्नर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, ठीक है। जितने बॉन्ड्स बने हुए हैं उनके अलावा यदि कार्बन की कोई वैलेंसी बसती है तो वहां पे ऑलवेज हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होना है, यदि श्योर नहीं किया गया है। यदि कुछ होता अलग से तो श्योर किया जाता, कुछ नहीं है तो दैट मीन्स क्या है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है, हाइड्रोजन को मजबूरी में रखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, हमारे पास देखिए है कौन सा, वन डिग्री अमीन है, वन डिग्री अमीन है तो अब हम क्या करेंगे, डायजोटाइजेशन कराएंगे। तो डायजोटाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि हमें लेना क्या है, नाइट्रस एसिड लेना है, नाइट्रस एसिड HNO2, HNO2 को मैं कुछ इस तरह से लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, NOHO, ठीक है, HNO2, HNO2 हो गया, HNO2 है वो देखिए यहाँ पे अमीन के साथ रिएक्ट करेगा और माइनस H2O यहाँ से हो जाता है। माइनस H2O होने के बाद ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन है दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो होना क्या है, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट करेगा, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद का प्रोडक्ट है वो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से होता है, ये अपना साइक्लोब्यूटेन है, ये तो एज इट इज रहेगा, CH2 भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन जुड़ेगा किसके साथ, डबल बॉन्ड से दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, देन हाइड्रोक्सिल यहाँ पे अपना प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होना है देखिए, तो अब यहाँ से होता है कुछ इस तरह से कि ये वाला जो हाइड्रोक्सिल है ये एलिमिनेट करेगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोक्सिल है ये एलिमिनेट करेगा यहाँ से माइनस ओ एच नेगेटिव की फॉर्म में। अब ये यहाँ से माइनस ओ एच नेगेटिव की फॉर्म में चला गया तो ये वाले जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और नाइट्रोजन का लोन पेयर यदि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है दैट मीन्स इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन पे हमें सी एस टू है वो जोड़े रखना है, सी एस टू के साथ में हमें क्या जोड़ना है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव। अब ये जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसका हमें क्या करना है, ये अपना क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट होता है, डायजोनियम सॉल्ट देखिए मैंने बताया था कि हम साथ में HCl है वो भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो क्या होता है, इसका काउंटर आयन होता है, काउंटर आयन है वो क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है। अब Cl नेगेटिव जब इसका काउंटर आयन है तो देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, यहां से N2 गैस को एलिमिनेट करेंगे तो माइनस हमें क्या करना है, N2 गैस करना है, माइनस N2 गैस होगा तो किस तरह से होगा, यहां से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस वाले नाइट्रोजन को, जैसे इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि N2 की फॉर्मेशन होगी, N2 की फॉर्मेशन होते ही N2 इज ए गैसियस मॉलिक्यूल सो रिएक्शन है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी ही जानी है। तो यहां से N2 का एलिमिनेशन होने के बाद अभी CH2 पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां पे CH2 पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है, CH2 पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि यहां से अभी हमारा जो इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होने के बाद अब हमें यहां से कराना है वन टू शिफ्ट, ठीक है, वन टू शिफ्ट या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, वन टू माइग्रेशन बोल सकते हैं। अब यहीं से स्टार्ट होनी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अभी तक रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, अभी तक जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी हुई है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन हुई है, इसके बाद जो रिएक्शन होगी वो होने वाली अपनी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन क्यों होगा, क्योंकि देखिए कार्बोकैटायन है वो रिंग के बाहर की तरफ है, ठीक है, कार्बोकैटायन है वो रिंग के बाहर की तरफ है, तो एक तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डायरेक्टली इस पे हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं और डायरेक्टली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दें, यानी कि यहां से कुछ ऐसा प्रोडक्ट है वो फॉर्म कर दें, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से क्या हो सकती है कि यहां से हम रिंग एक्सपेंशन कराएं, ठीक है, यहां से हमें क्या कराना है, रिंग एक्सपेंशन कराना है। रिंग एक्सपेंशन है वो होगा किस तरह से, तो उसके लिए देखिए यहां से नंबरिंग कर लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है। इस वाले को मैं कार्बन नंबर वन मार्क कर दूं, इसको मैं कार्बन नंबर टू मार्क कर दूं, चीज समझ आ रही है, इसको मैंने वन मार्क किया, टू थ्री एंड फोर, और ये वाला हो गया अपना फाइव, कार्बोकैटायन वाले कार्बन को मैंने यहाँ पे फाइव मार्क किया है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि यहां से ना अपने को ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें शिफ्ट करना है, यानी कि वन और टू के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक करना है, वन और टू के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है और फाइव को बीच में इंसर्ट करा देना है, ठीक है। तो एक बार के लिए देखिए माइंड में थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए कि यहां से इस वाली लाइन को हटा दिया, ठीक है, यहां से इस वाली लाइन को हटा दिया और इसे बना किसके साथ दिया, यहां पे बना दिया कार्बन नंबर वन फोर थ्री टू फाइव, बन गई रिंग। तो इस तरह से यहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन हो सकती है और रिंग कौन सी बनी, फाइव मेंबर रिंग बनी। अभी देखिए क्या हुआ कि जब हमने यहां से बॉन्ड को हटाया यहां पे लगाया, जैसे ही बॉन्ड यहां पे गया तो कार्बोकैटायन वो तो सेटिस्फाई हो गया, बट न्यू कार्बोकैटायन कहां पे फॉर्म हुआ, कार्बन नंबर वन पे, चीज क्लियर हो रही है, न्यू कार्बोकैटायन है वो कहां पे फॉर्म हो रहा है, कार्बन नंबर वन पे फॉर्म हो रहा है, और कार्बन नंबर वन पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो क्या स्टेबल है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब हम बात करते हैं इस वाले कार्बोकैटायन की, यानी कि इस फॉर्म में होता है,
तो ये वाला कार्बोकैटायन अपना कौन सा हुआ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। बट आफ्टर रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो कौन सा होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। एंड वी नो दैट 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल इन कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन, सो दैट्स व्हाई रीअरेंजमेंट रिएक्शन विल हैपेंस। ठीक है, तो यहां से देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, मैंने आपको बताया कि ये वाला बॉन्ड है ये हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, करके भी बता दिया, चलो फिर से कर लेते हैं। यहां से कुछ इस तरह से हम कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना कौन सा है, CH2 है, ठीक है, ये कौन सा है, कार्बन नंबर 5 है, 5 किसके साथ जुड़ेगा, 2 के साथ जुड़ेगा, 2 के बाद 3, 4 और 1, 1 से हमने क्या किया है, बॉन्ड को हटा दिया, तो 1 पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि अभी न्यू कार्बोकैटायन है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ, कार्बन नंबर 1 पे। ये वाला कार्बोकैटायन अपना 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, ये वाला कार्बोकैटायन अपना 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है वो यहां से क्या होता है कि क्यों रिएक्शन, क्यों रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो हो रही है, क्यों, क्योंकि यहां से हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है वो ऑब्टेन हो रहा है, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल हैपेंस। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर ली, अब क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। तो हमने यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया, H2O का अटैक कराएंगे तो यहां से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, तो ये हमारा इस तरह से हम रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है वो करा सकते हैं। तो चीज क्लियर हुई कि किस तरह से कब रिंग एक्सपेंशन होगी, हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की क्या यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी लग रही है, यहाँ से देखिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि कब रिंग एक्सपेंड करेगी, कब रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी। रिंग एक्सपेंशन का एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब हम किसका देखेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का देखेंगे। यही 4-membered रिंग हम लेंगे, ठीक है, 4-membered रिंग ही हम इस बार लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है वो हम करते हैं, देखिए अगेन मैंने यहाँ पे क्या रखा है, 4-membered रिंग रखा है, 4-membered रिंग रखा है, और इस बार रिंग के साथ डायरेक्टली मैंने क्या जोड़ा है, NH2 को जोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने CH2NH2 लिखा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली NH2 लिखा है। तो यहीं से आपको ट्रिक मिलेगी, यहीं से आपको पता लगेगा कि कहाँ पे रिंग एक्सपेंड करेगी, कहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्यों पता लगेगा, क्योंकि देखिए जब रिंग के बाहर, चाहे वो कितने भी मेंबर्ड रिंग हो, चाहे वो 3-membered हो, 4-membered हो, 5-membered हो, जब रिंग के बाहर CH2 ग्रुप होगा तो ऑलवेज रिंग एक्सपेंड होगा, और जब रिंग के साथ डायरेक्टली यहां पे एमीन जुड़ा होगा तो ऑलवेज रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, रिंग साइज डजंट मैटर, तो वे मैटर क्या करेगा यहां पे कि ये रिंग के बाहर CH2 लगा हुआ है या फिर रिंग के साथ डायरेक्टली NH2 है वो जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि रिंग के साथ यदि CH2 लगा होगा तो यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा, और यदि रिंग के साथ डायरेक्टली यहां से NH2 लगा होगा तो यहां से रिंग कॉन्ट्रैक्शन होना है ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, चीज क्लियर हुई इतनी यहां से। अब देखिए हम इसका कराते हैं, डायजोटाइजेशन कराएंगे, तो डायजोटाइजेशन अगेन वो सारे के सारे स्टॉप करके बताने की नीड नहीं है, मैं यहां से डायरेक्टली डायजोटाइजेशन करा दूं, HNO2 0 to 5 degree centigrade टेम्परेचर, तो यहां से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, N(triple bond N)+। ठीक है, N(triple bond N)+ इसकी फॉर्मेशन होगी। अब हम यहां से क्या करें, -N2 कर दें, -N2 करेंगे तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। -N2 किया तो इस बार कार्बोकैटायन है वो कहां पे फॉर्म हुआ है, रिंग में ही फॉर्म हुआ है। पहली बार कार्बोकैटायन कहां से फॉर्म हुआ था, रिंग के बाहर फॉर्म हुआ था, इस बार रिंग में फॉर्म हुआ है। इस बार यहां पे होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इस बार भी हमें क्या कराना है, 1-2 शिफ्ट कराना है, 1-2 शिफ्ट कराना है, बट 1-2 शिफ्ट है वो इस बार रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना कि एक्सपैंड। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करेगा, देखिए ध्यान से समझना, इस बार भी फिर से नंबरिंग कर लेते हैं, ये अपना कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड 4 हो गया इतना। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, मैं बोल रही हूँ कि इस वाले बॉन्ड को उठा के इसके साथ फॉर्म कर दो। ठीक है, हमने क्या किया कि इस वाले बॉन्ड को यहां से ओमिट किया और यहां पे फॉर्म कर दिया, एक बार करके बता रही हूँ ध्यान से देखना, यहां से इसको ओमिट कर दिया और यहाँ पे फॉर्म कर दिया। अभी जब हमने यहाँ पे बॉन्ड को फॉर्म कर दिया तो ये वाला कार्बोकैटायन तो सेटिस्फाई हो गया, बट न्यू कार्बोकैटायन कहाँ पे जनरेट हुआ, कार्बन नंबर 4 पे जनरेट हुआ। चीज क्लियर हो रही है, न्यू कार्बोकैटायन है वो कहाँ पे जनरेट होगा, कार्बन नंबर 4 पे। ठीक है, तो देखिए अगेन मैं इसे एक बार ड्रॉ कर रही हूं, यहां से ये वाला बॉन्ड है ये जाएगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाने के बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है वो यहां से फॉर्म होती है, CH2
पॉजिटिव न्यू कार्बोकैटायन है उसकी यहाँ से फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ से ये वाला कार्बोकैटायन है ये क्यों फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या था ड्राइविंग फोर्स क्या था रिएक्शन का, कि पहले कार्बोकैटायन था वो 1 डिग्री था, अब भी जो कार्बोकैटायन बना था वो 2 डिग्री है। चीज क्लियर हो रही है, ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ से निकल के आने वाला है। इस वाले रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स था कि यहाँ से 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था, यहाँ से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था। बट इसमें देखिए आप कि यहाँ पे कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री है और यहाँ पे कार्बोकैटायन है वो 1 डिग्री है, और फिर भी हम बोल रहे हैं कि रिंग है जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन है वो होगा और रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस चीज का रीजन क्या है, एक बार प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देती हूँ देन मैं इस चीज का रीजन है वो एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे H2O का अटैक करा और H2O का अटैक करा के और नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो यहाँ से हम कर लेते हैं, और प्रोडक्ट है वो हमारा किसका होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का होता है। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ से प्रोडक्ट है वो हमारा फॉर्म हो जाता है। बट अब हमें ये देखना है कि हमारा ये कार्बोकैटायन है ये स्टेबल क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि डिग्री है वो तो डिक्रीज कर रही है, 2 डिग्री से 1 डिग्री पे आ रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल है। आप बोलोगे कहीं मैम पागल तो नहीं हो गई, नहीं, ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये नेचर में जितने भी कार्बोकैटायन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कार्बोकैटायन है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इंस्टेड इट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री होने के बाद भी ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है वो चीज मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक बार के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखिए स्पेस है अपने पास, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप बोलोगे कि मैम क्यों होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, तो चलिए विद रीजन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये वाला कार्बोकैटायन हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है, CH2, और CH2 में क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है जो कि पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में होता है। अब ध्यान से देखिए रिंग कौन सी है, साइक्लोप्रोपेन रिंग है, और साइक्लोप्रोपेन रिंग है मोर स्ट्रैंड रिंग होती है, सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रैंड है वो साइक्लोप्रोपेन में ही होता है जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होती है। बट यहाँ पे ये कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल है वो चीज हमें देखनी है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो आप लोगों ने BSc फर्स्ट ईयर में बनाना बॉन्ड नाम की कोई चीज पढ़ी होगी, पढ़िए बनाना बॉन्ड, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए उसे उठा के देखिए। तो बनाना बॉन्ड यदि आपने पढ़ा है और साथ में यदि आपने रिंग स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो वहां पे आपने देखा होगा कि साइक्लोप्रोपेन रिंग में ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं होते, तो फिर कौन से होते हैं, बनाना बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और बनाना बॉन्ड होते हैं तो कुछ इस तरह से बिल्कुल सरफेस पे इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नहीं होती, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है। क्यों होती है, रीजन क्या होता है, रीजन इस चीज का यही होता है कि यहाँ पे रिंग स्ट्रैंड है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये वाले बॉन्ड है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहते, ये थोड़े से कुछ इस तरह से हो जाते हैं। यदि बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो यहाँ पे रिंग स्ट्रैंड है वो बहुत ज्यादा होता है, तो स्ट्रैंड को कम करने के लिए ये अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं, और जैसे ही बेंड करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक पॉइंट पे यहाँ पे आ जाती है, और वो पॉइंट कुछ इस तरह से होता है। सेम ही सिचुएशन है वो इधर भी कुछ होने वाली है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पीछे की तरफ होती है और कुछ ऐसा ही पीछे वाले बॉन्ड में भी होता है। तो इसे तो हमें काम में नहीं लेना, लेकिन यहां से देखिए अब ये वाले जो लोब है ये पास में किसके है, इन वाले बॉन्ड्स के, ठीक है, ये वाले लोब है ये पास में किसके, इन वाले बॉन्ड्स के, तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो कार्बोकैटायन में हो सकता है, यहाँ से इजीली कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो हो सकता है, और इसी वजह से ये वाला कार्बोकैटायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कार्बोकैटायन होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है। कौन सा कार्बोकैटायन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो चीज समझ आए कि क्यों यहां से डिग्री डिक्रीज करने के बाद भी कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। यहां से कभी ये मत सोच लेना कि यहाँ पे 2 डिग्री है यहाँ पे 1 डिग्री है तो इधर जाएगी रिएक्शन, कभी इधर नहीं जाएगी रिएक्शन, ऑलवेज इधर ही जाएगी, और ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या बताया मैंने यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन रिंग के बनाना बॉन्ड्स की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बोकैटायन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में इजिली ट्रांसफर कर सकती है, जिसकी वजह से ये वाला
कार्बोकैटायन है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया समझ आया। हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखे हैं, अगेन बता रही हूँ, पहले एग्जांपल में हमने रिंग से बाहर CH2 रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे रिंग एक्सपेंड करेगी। दूसरे में हमने यहाँ पे रिंग के साथ डायरेक्टली NH2 को अटैच किया है, दैट मीन्स रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कब रिंग एक्सपेंड करेगी, कब रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मैंने आपको ट्रिक वाइज भी बता दिया। और यहाँ पे जो एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्ट है रिएक्शन का, वो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। दोनों चीज अच्छे से, दोनों एग्जांपल्स हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए। इससे इजी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो एमएससी फाइनल में कोई नहीं है, इस चीज की मैं गारंटी करती हूँ। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देन हम इसी का जो दूसरा वेरिएशन है, टिफनू डैमजेनोर रीअरेंजमेंट, वो एक्सप्लेन करते हैं। हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे डैमजेनोर जो रीअरेंजमेंट है इसका वेरिएशन पढ़ेंगे। यदि हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं तो जो वेरिएशन वाला रीअरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डैमजेनोर टिफनू रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, टिफनू डैमजेनोर रीअरेंजमेंट। तो नेक्स्ट अपना आता है टिफनू डैमजेनोर रीअरेंजमेंट, टिफनू डैमजेनोर रीअरेंजमेंट। ये चीज ध्यान रखनी है कि ये भी डैमजेनोर रीअरेंजमेंट का ही एक वेरिएशन है। ठीक है, और वेरिएशन किस तरह से करना है, तो सबसे पहली चीज तो ये वाला रीअरेंजमेंट है ये होता किसमें, कीटोन्स में होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका यूज ही देख लेते हैं। इट इज यूजफुल फॉर होमोलोगी फॉर्मेशन, होमोलोगी फॉर्मेशन इन साइक्लिक कीटोन्स, इन साइक्लिक कीटोन्स दैट कंटेन्स 3 to 7 membered ring, 3 to 7 membered ring। यानी कि ये वाला जो टिफनू डैमजेनोर रीअरेंजमेंट है इसका यूज है वो हम कहां पे करते हैं, सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे वो देख रहे हैं। तो यूज हमें कहां पे करना होता है कि जो साइक्लिक कीटोन्स हैं जिनमें 3 to 7 membered ring होती है, यानी कि 3 से 7 कार्बन तक की जिस भी कीटोन में रिंग होती है वहां पे यदि हमें उसके होमोलोगी की फॉर्मेशन करनी है। होमोलोगी क्या होता है, होमोलोगी तो समझते हो ना, कि हमारे पास जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हुआ एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, तो इसका होमोलोगी क्या होगा, हायर होमोलोगी CH3CH2COOH। एसिटिक एसिड का होमोलोगी क्या होता है, यहां से प्रोपियोनिक एसिड होता है, यानी कि जिसमें हम कार्बन नंबर को इंक्रीज कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगी बोलते हैं। अभी भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन हमने क्या किया है कि इसमें एक कार्बन नंबर को इंक्रीज कर दिया है, तो ये क्या होगा, होमोलोगी ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि जो साइक्लिक कीटोन्स हैं उनमें एक कार्बन को एक्सपेंड करना है। तो हुआ क्या, बेसिकली डैमजेनोर रीअरेंजमेंट ही हुआ, लेकिन इस बार हम पर्टिकुलर कंपाउंड वो क्या रख रहे हैं, यहाँ पे कीटोन रख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा इस यहाँ पे टिफनू डैमजेनोर रीअरेंजमेंट का, वो चीज हम देखते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें देखना है ए स्पेसिफिक वेरिएंट ऑफ डैमजेनोर रीअरेंजमेंट which leads to homologue formation in cyclic ketones is called as Tiffano-Damgenow rearrangement। ठीक है, टिफनू डैमजेनोर रीअरेंजमेंट, यानी कि हमें क्या करना है कि एक स्पेसिफिक वेरिएंट देखना है डैमजेनोर रीअरेंजमेंट का, जो कि कीटोन्स में हायर होमोलोगी की फॉर्मेशन करता है, कीटोन्स में रिंग एक्सपेंशन करता है। इन सिंपल वर्ड्स, कीटोन्स में रिंग एक्सपेंशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टिफनू डैमजेनोर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अगेन हम किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल पे हम आते हैं, यहां से हम साइक्लोहेक्सेनॉन ले लेते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉन हमने क्या लिया, अपना सबस्टेंस लिया, कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, यहाँ पे नाइट्रोमेथेन के साथ कराएंगे, CH3
एनओ टू इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOET सोडियम एसिटे सोडियम एथोक्साइड, हमने यहाँ पे बेस लिया हुआ है, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से जाएगा। देखिए रिएक्शन है वो हमारी कुछ इस तरह से होनी है, यहाँ पे तो आएगा अपना OH और इधर कौन जुड़ेगा CH2NO2 जुड़ेगा। अब इस वाले स्टेप में हम कैसे पहुंचे हैं ये चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। चलो पहले यही वाला स्टेप एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए NaOET है अपने पास, NaOET किसमें टूटेगा, OET निगेटिव Na पॉजिटिव, इतनी चीज क्लियर हो रही है, Na पॉजिटिव OET निगेटिव, OET निगेटिव इज अ बेस, ठीक है। तो बेस है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अबस्ट्रक्ट करेगा, हाइड्रोजन को अबस्ट्रक्ट कहाँ से करेगा वो चीज हमें देखनी है। तो हाइड्रोजन को अबस्ट्रक्ट करेगा ये यहाँ से CH3 में से एक हाइड्रोजन को निकालेगा, क्यों निकालेगा, क्योंकि ये बेसिक मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। चीज क्लियर हुई, जब हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ से CH3NO2 की, ठीक है, तो यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये होता है अपना मोर एसिडिक हाइड्रोजन, और मोर एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से यहां से OET निगेटिव आएगा और इसे ETOH की फॉर्म में बाहर निकालेगा। तो यहां से माइनस क्या हुआ, ETOH हुआ, और फॉर्मेशन किसकी हुई, CH2 निगेटिव NO2 की फॉर्मेशन हुई। अब CH2 निगेटिव यहां पर यह क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, CH2 निगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल, और कीटोन अपना कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप पे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो बहुत इजीली होती है, जानते हैं हम ये चीज, ठीक है। कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इजीली होती है ना, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ दिस बॉन्ड, यहां से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां पे ऑक्सीजन पे आया निगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कौन करेगा, CH2 निगेटिव करेगा, ठीक है। अब CH2 निगेटिव NO2 जुड़ गया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज था, निगेटिव, यहाँ पे एथेनॉल भर भर के पड़ा है, और एथेनॉल है वो क्या करेगा, एच पॉजिटिव को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, हो गया कंपाउंड की फॉर्मेशन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, NO2 है तो हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, H2 रेनन निकल, ठीक है, रेनन निकल की प्रेजेंस में हमें यहां पे रिडक्शन कराना है। और जब हम रेनन निकल की प्रेजेंस में NO2 का रिडक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट किस में होना है, NH2 में कन्वर्ट होना है, ठीक है, जिसे डिस्कनेक्शन में क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम FCI लिखते हैं। तो यहां से कुछ इस तरह से होता है CH2 NH2 और OH। अब यहां से देखिए आ गए हम C-Damgenov रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन पे, ठीक है, Damgenov रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन पे आ गए, CH2 NH2 यही तो हमें चाहिए ना, आगे वाली प्रोसीजर वो तो सेम ही होनी है। तो आगे क्या होगा, देखिए अगेन हम यहां से डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, HNO2 0-5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहां से फॉर्मेशन है वो किसकी होगी, फॉर्मेशन देखिए यहां से अगेन OH अपना एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, N2 पॉजिटिव, ठीक है, अगेन डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होते ही यहां से माइनस क्या करना है, N2 करना है। तो माइनस जब N2 करेंगे तो यहां से प्रोडक्ट है वो क्या बचेगा, देखिए प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बचता है, OH CH2 पॉजिटिव, ठीक है, चीज समझ आ रही है, यहाँ पे क्या वजह, CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन। अब हमें बताया कि रिंग एक्सपेंशन ही करना, रिंग कॉन्ट्रेक्शन नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता, Tiffano-Damgenov रीअरेंजमेंट है वो ओनली एंड ओनली रिंग एक्सपेंशन करता है, ये चीज पहले ही हम स्टेटमेंट में देख चुके हैं। तो हमें यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करना है, रिंग एक्सपेंशन करेंगे किस तरह से वो चीज एक बार बड़े ही ध्यान से देखिए, अगेन एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करते ही आपका सारा का सारा काम है वो इजी हो जाता है, ठीक है। इसे मैं नंबर 1 मार्क कर रही हूँ, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड कार्बोकैटायन वाले कार्बन को मैंने दिया यहाँ पे नंबर 7। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ से जो 1 और 2 के बीच का बॉन्ड है इसे हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बार के लिए मैं इसे यहाँ से ओमिट करती हूँ और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देती हूँ, चीज क्लियर हो रही है। अभी देखिए न्यू कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कहाँ पे, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे जैसे ही कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए तो यहाँ पे बैठा है ना, एक H पॉजिटिव हमने यूज किया था यहाँ पे, वो H पॉजिटिव हम अगेन यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, यही करेंगे, वो H पॉजिटिव हम अगेन यहाँ से बाहर निकाल देंगे, और H पॉजिटिव बाहर निकालते ही यहाँ से कार्बोकैटायन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चीज क्लियर हुई कि किस तरह से यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होनी है, 6 मेंबर जो कंपाउंड था वो कन्वर्ट किसमें होगा, 7 मेंबर में होगा। तो अगेन देखिए मैं इसे फिर से एक बार के लिए ड्रॉ करती हूँ, ऐसा कुछ था,
यहाँ से हमें वन टू बॉन्ड को शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। यहाँ पे अगेन मैं आपको नंबरिंग करके बताती हूँ। तो नंबरिंग यदि करें तो ये वाला कार्बन अपना कौन सा है, कार्बन नंबर वन है। कार्बन नंबर वन के बाद देखिए अब ये वाला कार्बन नंबर टू नहीं रहा, तो फिर कौन सा कार्बन हो गया ये, तो ये कार्बन हो गया अपना कार्बन नंबर सेवन। ठीक है, क्यों, क्योंकि वन और टू के बीच में कौन इंसर्ट कर गया, सेवन इंसर्ट कर गया। सेवन डन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, वन और सिक्स का बॉन्ड अभी भी एज इट इज है, सिर्फ ब्रेक इसके बीच का हुआ था वन और टू के बीच का, और उसके बीच में कौन आ गया था, सेवन आ गया था। अभी देखिए कार्बन नंबर वन पे डबल बॉन्ड ओ है, वो हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या लिया था, साइक्लोहेक्सेनॉन लिया था, वो फॉर्मेशन किसकी कर ली, साइक्लोहेप्टेनॉन की, विच इज होमोलॉगी ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि किस तरह से हायर होमोलॉगी की हम फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग टिफनो डैमजेनोव रीअरेंजमेंट। तो इस तरह से डैमजेनोव रीअरेंजमेंट और डैमजेनोव रीअरेंजमेंट का स्पेसिफिक वेरियंट टिफनो डैमजेनोव रीअरेंजमेंट है, दोनों हो सकते हैं, दोनों सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, दोनों पे सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन डैमजेनोव रीअरेंजमेंट। तो आप उसमें टिफनो डैमजेनोव रीअरेंजमेंट है उसे भी ऐड करके लिखिए। ठीक है, और यदि पूछा जाता है टिफनो ओनली डैमजेनोव रीअरेंजमेंट, तो आपको टिफनो डैमजेनोव रीअरेंजमेंट है वो भी ऐड करके लिखना है। और यदि पूछा जाता है टिफनो डैमजेनोव रीअरेंजमेंट, तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देना है। यदि मार्क्स ज्यादा का होता है तो आप यहाँ पे एक दो एग्जांपल है वो और कर सकते हैं, जैसे लाइक साइक्लोपेंटेनॉन रख लो, साइक्लोपेंटेनॉन को आप साइक्लोहेक्सेनॉन में कन्वर्ट कर लो। आई थिंक मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन की है। एक बार के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, हो सके तो कर लेना, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं फिर से सॉल्व करवा दूंगी मैकेनिज्म को। ठीक है, इसका आपको साइक्लोहेक्सेनॉन में कन्वर्ट करना है, इससे ये वाला कंपाउंड है ये फॉर्म होगा, करके देखिएगा, हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसे एक्सप्लेन करके देखिएगा। ठीक है, तो ये था अपना डैमजेनोव रीअरेंजमेंट, बाकी एक रीअरेंजमेंट है वो एक वीडियो में हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो रीअरेंजमेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।